सूडो वर्ड को यदि आप समझने की कोशिश करिए, मतलब हम जो सोचें हमें कुछ आभास होता है और कुछ एक्चुअल जो चीज़ होती है वो कुछ अलग हो जाती है, और जो हम सोचते हैं वो कुछ डिफरेंट अलग रहता जी है। तो वहां पर ये वर्ड आता है सूडो। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसकी पहले तो डिफिनीशन समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम और सर मिलकर इस टॉपिक को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं हो। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन बट मॉलिकुलरिटी इज मोर देन वन आर नोन एज सूडो ऑर्डर यूनिमोलिकुलर या सूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पुराना वर्ड चला आ रहा है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मच बेटर है, अपने को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ जो बुक है वो सर सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोले तो मच बेटर है। अब यदि इसका एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल लें, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, कि यदि किसी एस्टर को वाटर में डाल दें और कुछ ड्रॉप हम उसमें एसिड मिला दें, मतलब मीडियम को हमने क्या कर दिया, एसिड, ये कैटलिस्ट का काम करेगा, तो एस्टिक एसिड और यहां पर एल्कोहल बनना स्टार्ट हो गया, बहुत ही फेमस रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। अब आप ये वर्ड को जरा देखिएगा, हाइड्रोलिसिस। यदि मैं बोलता कि 1 मोल एस्टिक एसिड की रिएक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली 1 मोल वाटर से कराया गया तो मैं इसको केमिकल रिएक्शन बोलता, लेकिन जब मैंने क्या बोल दिया सर, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, यदि मैंने हाइड्रोलिसिस बोल दिया तो बेटा पूरी केमिस्ट्री के लिए ये वर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यदि हाइड्रोलिसिस कहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि वाटर वहां पर एक्सेस में होगा, जी मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में होगा दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट जी में, सर और यहीं से इसका रीजन छुपा है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार सूडो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्योंकि यही तो पॉइंट आपको कैच करना है, जिससे कि कोई अननोन क्वेश्चन भी आए तो आप समझ जाएं कि वो सूडो ऑर्डर पर बेस्ड है। अब आप सोचिए, हमने इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा, तो जो जो हम लोगों ने पढ़ रखा था उससे रेट एक्सप्रेशन लिखा, तो रेट इक्वल्स टू के, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, तो यहां पर एस्टर का कंसंट्रेशन इंटू वाटर का कंसंट्रेशन। अब जरा आप बताइए, वाटर एक्सेस में जी है, सर जिस तरीके से सर कोई रिवर है जी जिसमें करोड़ों लीटर पानी है, उससे हमने 10 लीटर पानी निकाल जी लिया, सर 20 लीटर पानी जी निकाल लिया, तो क्या सर वो रिवर खाली हो जाएगी? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं ना। होगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि हमने 10 लीटर वाटर निकाला, यदि आप अलग से देखोगे तो बाल्टी आपको भरी हुई दिखेगी, इसका मतलब पानी तो निकाला, ये बात तो सही है, लेकिन रिवर में जो वाटर बह रहा था वो इतना ज्यादा था कि 10 लीटर या 20 लीटर या 100 लीटर आप वाटर निकाल भी लेंगे तो रिवर के वाटर लेवल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं नहीं है। है। बस वही कॉन्सेप्ट तो बेटा आपको यहां यूज करना है, वाटर इज इन एक्सेस। सर हमें कैसे पता चला इन एक्सेस, तो कौन सा वर्ड बताएगा? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस ये वर्ड बताएगा, तो इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका मतलब H2O रिएक्टेंट है, बिल्कुल सही है, मतलब ये डिनाई नहीं किया जा रहा कि रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट है, लेकिन एक्सेस एक्सेस में में है। होने की वजह से रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले और रिएक्शन खत्म होने के बाद वाटर के कंसंट्रेशन पर कोई एप्रिसिएबल चेंज नहीं नहीं आएगा। होगा, और थोड़ी सी यदि मैं मैथ लगा दूं तो फिर वाटर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं कांस्टेंट, तो वाटर का कंसंट्रेशन सर हम लोग कांस्टेंट हो कांस्टेंट ट्रीट गया। कर लेंगे। यदि वाटर का कंसंट्रेशन यहां पर हम कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे तो जरा बताइए, इसको हमने रिप्लेस किया, जी और यदि इसको हमने रिप्लेस किया तो रिप्लेस करने पर जरा देखिएगा, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, के क्या है सर, जी रेट सर कांस्टेंट हो गया, और H2O, तो के और H2O इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, इन दोनों का जो प्रोडक्ट था उसकी जगह एक नया कांस्टेंट मान लिया के डैश, जो अभी बताया जाएगा आपको कि जी के सर डैश वगैरह क्या है, अभी तो हम सूडो ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, अभी के डैश पे भी आएंगे, तो जरा देखिए के और H2O दोनों कांस्टेंट है। ये ऑलमोस्ट जी कांस्टेंट, सर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो
ये रख दिया के डैश, तो आर रेट इक्वल टू के डैश सी एच थ्री सी ओ सी टू एच फाइव। इसका मतलब ये हुआ कि जिस रिएक्शन को हम लोग सेकेंड ऑर्डर मान रहे थे, सेकेंड ऑर्डर मान रहे थे, यदि उसमें वाटर एक्सेस में होने की वजह से वहां पर वाटर और के को हटाकर ये आ गया, इसका मतलब जो ऑर्डर टू हुआ करता था वो ऑर्डर कितना आया, वन। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसको क्या बोल रहे हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो रिपीट करना चाहूंगा, फिर अभी के और के डैश के बारे में और डिटेल में बताते हैं आपको। एक बार मैं कॉन्सेप्ट यहां पे रिपीट कर दूं कि यदि दोनों रिएक्टेंट स्मॉल अमाउंट में हो तब भी ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, दोनों रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में हो तब भी ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए एक रिएक्टेंट स्मॉल अमाउंट में और दूसरा रिलेटिवली लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। और उस कांस्टेंट को फिर यूज करते हुए एक नया कांस्टेंट के डैश ला सकते हैं। इसमें आप सोचने की कोशिश कीजिए बच्चों, सर ने पूरा आपको एकदम डिटेल में समझाया, वो रिवर वाला एग्जांपल परफेक्ट है आपको इस चीज को समझाने के लिए कि थोड़ा बहुत लेवल हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए बच्चों, सर ने दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए, एक कांस्टेंट स्टार्टिंग में रेट लो में था और वो रेट लो में जो कांस्टेंट था वो एक्चुअल रेट लो का कांस्टेंट था, ये वाला के, जब अपन ने इसका रेट लो लिखा। लेकिन फिर हमें पता चला कि ये H2O कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट हो रहा है, तो हमने इस H2O की कंसंट्रेशन जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है इसको और इस रेट कांस्टेंट को मिला दिया, तो ये हमारा फाइनल रेट लो आया। अभी हमने इसके बारे में बोला कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, तो जब ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन है तो ये के डैश भी क्या कहलाएगा, स्यूडो रेट कांस्टेंट। तो क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट, स्यूडो रेट कांस्टेंट कहा जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा, ये रेट एक्सप्रेशन जो हमने लास्ट में लिखा है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट डेफिनेटली सर अपन इसको क्या बोले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्यूडो रेट कांस्टेंट कहेंगे, ये एक्चुअल रेट कांस्टेंट है सर, बिल्कुल। तो जो के यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन सा है, एक्चुअल रेट कांस्टेंट है। अब अगर न्यूमेरिकल में आपसे स्यूडो रेट कांस्टेंट के बारे में पूछा जाए तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि स्यूडो रेट कांस्टेंट जब आएगा, जब उसको कांस्टेंट अपन कंसीडर करेंगे। और सर दूसरी एक चीज और है कि यदि स्टूडेंट्स आप ये रिकॉल करने की कोशिश करिए कि हम लोगों ने के की यूनिट के बारे में भी पढ़ा जी, यहां पर ये सेकंड ऑर्डर है और यहां पर ये फर्स्ट ऑर्डर है, और आप अच्छे से जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर की जो के होता है उसकी यूनिट अलग है और सेकंड ऑर्डर का जो के होता है उसकी यूनिट अलग, अलग है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन में अपनी हेल्प ले सकते हो, यदि किसी वजह से सर ने जो पॉइंट बताया है उसमें भी डाउट आ जाए कि मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं कि सूडो रेट कॉन्स्टेंट है कौन एक्चुअल रेट कॉन्स्टेंट है, तो आप तो देख लो जो ये के होता है ये तो सेकेंड ऑर्डर वाला रेट कॉन्स्टेंट है, जो के डैश है वो फर्स्ट ऑर्डर वाला रेट कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब इसकी यूनिट टाइम इनवर्स समथिंग कुछ होगी। तो इस तरीके से भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब ये जो एग्जांपल है सेकंड नंबर का, इसको थोड़ा सा समझिएगा। पिछले वाले एग्जांपल में सर अपन ने हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एस्टर का समझाया, ऑर्गेनिक की फेमस रिएक्शन है, अगेन ये रिएक्शन भी ऑर्गेनिक में आप लोग देखेंगे। थोड़ा सा इसके वर्ड पे फोकस करते हैं, ये लिखा हुआ है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। बच्चों केन शुगर का मतलब आप जानते हैं, सुक्रोज को हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पे, तो हमने क्या किया है, सुक्रोज जो है उसका अगेन हाइड्रोलिसिस ही कराया है, तो आप इसी रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर भी कह सकते थे, लेकिन ये इन्वर्जन टर्म जो है ये इसलिए कंसीडर की जाती है, आप ऑर्गेनिक में भी इसके बारे में सीखेंगे, कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेस बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, सुक्रोज या केन शुगर नॉर्मली जिसको कहा जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये तीनों के तीनों कंपाउंड बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब उससे क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात मैं यहां बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें आपके ऑर्गेनिक में आएगी, बस एक लाइन जो इन्वर्जन आया है उसका मतलब समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है कि इस रिएक्शन की स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन है उसका रोटेटरी डेक्स्ट्रो होता है, ये चीज आप जानते हैं, और जैसे जैसे ये रिएक्शन बढ़ती है और हाइड्रोलिसिस जब हो रहा होता है, लास्ट में हाइड्रोलिसिस कंप्लीट होने के बाद हमारे को जो दो प्रोडक्ट मिलते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसमें जो फ्रक्टोज है उसका रोटेटरी लीवो है, यानी जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाएगा, तो स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी का था अब उसका एंगल ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, शुरू में क्लॉकवाइज था अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसीलिए बोला गया है इन्वर्जन, यानी एंगल ऑफ रोटेशन उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी, ये बात ऑर्गेनिक की है, हमें बस ये समझाना है कि ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस है और हमें यह समझाना है कि स्यूडो ऑर्डर कैसे है। रिएक्शन पे फोकस करते हैं, रेट लो लिखा एग्जैक्टली पिछले वाले एग्जांपल जैसा ही है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, सुक्रोज की कंसंट्रेशन की पावर वन, H2O की कंसंट्रेशन की पावर वन।
अब बच्चों आप खुद से सोच लीजिए कि इसमें जो H2O है, सर अपन ने हाइड्रोलिसिस समझा ही दिया, बिल्कुल सर बिल्कुल, कि अगर H2O हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन में है तो डेफिनेटली दिस इज इन एक्सेस, और अगर ये एक्सेस में है तो इसका कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो अप्रिशिएबल नहीं आएगा, और जब अप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा बच्चों तो ये भी एक कॉन्स्टेंट है और ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट चीज है, दो कॉन्स्टेंट को हमने एक साथ लिख दिया और ये हमारा रेट लो आ गया। अब फिर से हम वापस वही बात बोल रहे हैं, ये है स्यूडो रेट एक्सप्रेशन और ये एक्चुअल रेट एक्सप्रेशन है, तो ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, ये है एक्चुअल रेट कांस्टेंट, एक्चुअल रेट कांस्टेंट, जहां पे के डैश की वैल्यू ये रही बच्चों, के डैश का वैल्यू आ गया रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O व्हिच इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आपने इस पूरी बातचीत को समझा, और किसी भी थियोरिटिकल टॉपिक पर जब हमें कमांड करना होता है तो जरूरी है उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करें। जैसा आपने उससे पहले भी देखा, जब मैकेनिज्म की भी बात हो रही थी तो कमांड कैसे हुआ था, जब उन्होंने मैकेनिज्म के क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से सूडो ऑर्डर का एक थ्योरी, एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया कि दो या तीन कोई भी रिएक्टेंट हो, उसमें से कोई एक रिएक्टेंट दूसरों के कंपैरिजन में जब बहुत लार्ज अमाउंट में होगा तो वहां पे सूडो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगना तय है। ये बात आपके दिमाग में यहां तक आते आते बैठ जानी चाहिए, ठीक है। अब जरा देखते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन, और काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके पूछे जाने की, और मोस्टली स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, मतलब इस क्वेश्चन की जो खास बात है इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने उतना डिटेल में पढ़ा नहीं होता है, उन्होंने दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये याद कर लेते हैं और एक एग्जाम्पल ये याद कर लेते हैं, और वो सोचते हैं कि हमको सूडो ऑर्डर पे कमांड हो गया कि जब भी हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर देखेंगे या हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखेंगे हम टिक कर देंगे कि वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखिए, एग्जाम्पल एक टाइम था जब स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन जब नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होंगे तो इतना आसान क्वेश्चन वहां पे फ्रेम नहीं होगा। तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन को, और जो आपने पढ़ा है भी आपको टाइम देंगे मार्जिन, आप सोच ले जाएंगे क्वेश्चन को। फॉर द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर, मतलब यहां पर हमने थोड़ा सा एसिड मिला दिया एज ए कैटलिस्ट, इसीलिए इसको बोला जा रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिसको सर ने थोड़ी देर पहले भी इन्वर्जन भी बोला था। रेट कॉन्स्टेंट इज 2 × 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स डिटरमाइंड सूडो रेट कांस्टेंट। अब जरा सोचिए, यदि आपने पूरी बातचीत को अच्छे से समझा है, सुना है, तो जरा देखिए यहां पर आते हैं। इस एग्जाम्पल पे सर ने कुछ टर्म बताए थे, और उस दौरान ये बोला भी गया था कि आप यदि नाम भूल भी जाते हैं कि एक्चुअल रेट कांस्टेंट कि सूडो रेट कांस्टेंट, तो आप ऑर्डर से देख सकते हैं कि जो एक्चुअल था तो वो तो कहीं ना कहीं देखिए सेकेंड ऑर्डर वाला था, वो तो वाटर में के एक्सेस होने की वजह से ये सूडो ऑर्डर का हो गया। यदि एग्जैक्टली 1 मोल एस्टर लिया जाए, एग्जैक्टली 1 मोल वाटर लिया जाए, तो फिर ये रिएक्शन सूडो ऑर्डर की कैटेगरी में नहीं है, वो तो हाइड्रोलिसिस की वजह से थी, ठीक है। तो ये एक हिंट आपको प्रोवाइड की, जिससे कि आप इस क्वेश्चन पे सोचना स्टार्ट करें। दूसरी चीज, जरा यूनिट देख लीजिए। यस सर, जरा यूनिट देख लीजिए। जैसे ये यूनिट देखी, जरा रिकॉल करिए, तो इस यूनिट के बारे में सोचने के दौरान एक चीज तो कन्फर्म है कि टाइम किस में है, मिनट के टर्म्स में, तो इसलिए मिनट इनवर्स आ रहा है। यदि इस पूरे को आप देखें तो कहीं ना कहीं ये बात तो आपको दिमाग में आ रही होगी कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। किस ऑर्डर की? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। तो ये एक हिंट दे दी। अब आप सोचिए, अब तो फाइनली आप मान के चलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड करना ही करना है, मतलब ये तो बिल्कुल एक फाइनल हिंट आपको दे दी गई है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं जो आपने सोचा है वो किस तरीके से आया। तो देखिए, ये लिखा हुआ आपके सामने, यही सेम रिएक्शन चलेगी। ये देखिए, सुगर है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोला गया, इसीलिए सर ने आपको हाइड्रोलिसिस टर्म बताया था। इन्वर्जन तो ऑर्गेनिक का टर्म है, सर ने पूरा एक्सप्लेन किया था कि इन्वर्जन क्यों हुआ, और इसी को हम हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। अब यहां पर सूडो रेट कांस्टेंट, अब जरा देखिए ये वाला टर्म है, तो ये वाला टर्म है, तो इसको यदि हम यूज करें, के डैश इक्वल्स टू के इंटू H2, क्योंकि इसके पीछे की जितनी थ्योरी है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं।
मैं तो जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर लेके जा रहा हूं, जब जब हाइड्रोलिसिस होगी, जब जब हाइड्रोलिसिस होगी वाटर एक्सेस में होगा, वाटर एक्सेस में होगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है सूडो ऑर्डर का, जिसको आपको समझना है। अब यहां पर ये देखिए और ये देखिए, अब एक बार ये इधर आ जाइए, देखिए के डैश, तो के डैश कौन सा फर्स्ट ऑर्डर वाला आपको दिख रहा है, और इसी के डैश को क्या नाम दिया गया था, देखिए सूडो रेट कांस्टेंट। इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में के डैश ही पूछा गया है, के हमको यहां पर गिवन है। तो यदि हम अब ये चीज तो स्टूडेंट के दिमाग में आ गई, चलिए ठीक है। अब इसके बावजूद भी कई बार स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि इतनी हिंट देने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सर आपने क्वेश्चन में वाटर का कंसंट्रेशन नहीं बताया। बिल्कुल सही है, वाटर का कंसंट्रेशन नहीं बताया। अब थोड़ा सा याद करिए इलेवेंथ क्लास में याद करिए आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बार नहीं कई बार वाटर का कंसंट्रेशन की बात चलती है। तो जब वाटर के कंसंट्रेशन की बात चलती है तो प्योर वाटर जो होता है उसकी जो मोलरिटी है 55.5 अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख लेते हैं। अब इसी के आसपास कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि जब हमको दिया नहीं है तो हम 55.5 ले सकते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। के डैश मतलब सूडो और रेट कॉन्स्टेंट या सूडो ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट बोल देते हैं। के ये आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻³ × 55.5। अब जरा आप देखिए ये यूनिट देखिए, और जब मैं कंसंट्रेशन रखूंगा तो ये मोलरिटी या मोल पर लीटर, अब आप खुद देख लीजिए इसकी यूनिट है मोल पर लीटर, इसकी यूनिट है मोल इनवर्स लीटर का, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो मिनट इनवर्स आएगा, तो जब मिनट इनवर्स आएगा तो के डैश इक्वल्स टू बहुत सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन, और उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर लें तो 1.11 × 10⁻¹ मिनट इनवर्स। यूनिट का भी ध्यान रखना है, वो कई बार आपको यूनिट में भी फंसा देगा। चार ऑप्शन इस तरीके से आपको प्रोवाइड करेगा कि हो सकता है एक में सेकंड इनवर्स लिख दे और दो बिल्कुल सेम आंसर दे देगा, और एक में मिनट इनवर्स लिख देगा एक में सेकंड इनवर्स, और आपने जल्दबाजी में आंसर तो सही निकाल लिया लेकिन वहां पर आप सेकंड इनवर्स वाला टिक कराए जो कि फिर गलत हो जाएगा। अब इसका प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं जो आपको बताया गया, बिल्कुल वही सेम बातचीत। ये वाली रिएक्शन सर ने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करी थी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिवोरोटेटरी एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, वही सेम काम। अब जरा देख लीजिए, जिन भी स्टूडेंट को वाटर के कंसंट्रेशन पे प्रॉब्लम है उनके लिए बिल्कुल बेसिक सी चीज बताए दे रहा हूं। यदि मुझे मोलरिटी निकालनी है मतलब मोल पर लीटर, और 1 लीटर वाटर का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1 मानी गई है, तो 1000/18, क्योंकि वाटर का मॉलिकुलर वेट कितना होगा 18, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो 55.5, तो वैसे तो आपको 11th की नॉलेज से पता होना चाहिए, फिर भी किसी वजह से नहीं पता था तो मैंने यहां पर आपको बता दिया कि वाटर की जो मोलरिटी है वो 55.5 है, के डैश आपसे पूछा गया था, के गिवन था, और इस तरीके से यही प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते हैं तो सूडो ऑर्डर पर कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आपको आएगा। मतलब सर ये वाला क्वेश्चन जो है ना इससे अच्छा बन नहीं सकता, बन नहीं सकता, मतलब इसीलिए बिल्कुल एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर के एग्जांपल सर रट लेते हैं और उनको लगता है कि सूडो ऑर्डर कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो गया, और यहाँ पे फिर वो फंस जाते हैं, क्योंकि फिर वो ये इतना लॉजिक सोच नहीं पाते कि कौन सा एक्चुअल रेट कॉन्स्टेंट है कौन सा सूडो ऑर्डर है। यदि एग्जैक्टली 1:1 मोल बोला जाए कि 1 मोल वाटर 1 मोल सुगर में मिलाया, तो उस समय फिर आपका कॉन्सेप्ट सूडो ऑर्डर का नहीं लगेगा, फिर तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में यही है कि आपको कुछ डाटा नहीं गिवन होते हैं कई बार, तो आपको सोचना पड़ेगा कि प्योर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है 11th का, या आपका पुराना जो रिवीजन है वो यहाँ पे आपके काम आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रिलेटिवली काफी आसान है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अगर वो आपने कर लिया ना तो डेफिनेटली ये तो आपसे हो ही जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने, एक सिंपल रिएक्शन है ए और बी कन्वर्ट हो रहे हैं सी में, आपको क्वेश्चन में ही रेट लो गिवन है R = KA^1 B^2। तो बच्चों जरा सोचिए, अभी अगर इतना सा आपको पता है तो इस हिसाब से ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है,
कौन से ऑर्डर की है? थर्ड ऑर्डर की है। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है बच्चों? वन है। बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? टू है। और ओवरऑल ऑर्डर कितना है? थ्री है। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ ए इज टेकन इन एक्सेस। अब सर इनको मेरे को लगता नहीं कि इनको डाउट आएगा इसमें। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया बच्चों, अगर ए एक्सेस में है तो आप खुद सोचिए, अगर हम इसको सोल्व करते हैं, पहले तो आप लोग सोल्व कीजिए एक बार, अपना आंसर निकालिए, उसके बाद जरा देखिए कि आपने सही किया कि नहीं किया। क्योंकि सर इन्होंने पुराना कॉन्सेप्ट अभी समझा होगा तो 100% ये क्वेश्चन ओरल ये कर ले जाएंगे, फिर भी इसके में कुछ पॉइंट्स और हम लोग कवर करेंगे जिससे कि इनसे कहीं पे भी गलती ना हो। ये दोनों होने के बाद डेफिनेटली स्यूडो ऑर्डर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन में बहुत आसान सी बात बच्चों आपको ये बोली गई है कि ए जो है वो आपका एक्सेस में लिया गया, बस इसी जानकारी को मैं यूज कर रहा हूँ। अभी हम इस रेट लो को देख रहे हैं, ये है आर इक्वल्स टू के ए टू द पावर वन एंड बी टू द पावर टू, और ओवरऑल इसका ऑर्डर थ्री है। अब जैसे वाटर वाले केस को हमने यूज किया, उसी को यहाँ पे यूज कीजिए कि अगर इसका कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट रह रहा है, यहाँ पे एक्सेस में है तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अगर ए का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है बच्चों, तो ये कॉन्स्टेंट और ये रेट कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करके हम एक नया कॉन्स्टेंट के डैश प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है वो है कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर टू, और ये बन गया हमारा स्यूडो रेट कॉन्स्टेंट और रेट एक्सप्रेशन। ये बन गया हमारा स्यूडो रेट लो या स्यूडो रेट एक्सप्रेशन। अब जरा सोच के देखिए कि अगर ये स्यूडो रेट एक्सप्रेशन है तो इस रेट एक्सप्रेशन के अंदर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम। अब कंसंट्रेशन टर्म एक ही है, दो नहीं है, दो इसलिए नहीं है क्योंकि ए जो है वो एक्सेस में था और वो कॉन्स्टेंट माना जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम करें तो देयर इज ओनली वन पावर एंड दैट इज टू, तो इस केस में अब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना आएगा आपका? टू आएगा। और यहां पे ये के डैश अपन क्या मान रहे हैं ये भी आपको बता देता हूं, के डैश हमने माना है के एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए का मल्टीप्लीकेशन। और क्यों माना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी, मतलब ये हमने अज्यूम नहीं किया, वो गिवन है। ठीक है, अब आप इसको दूसरे तरीके से सोचिए बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं कि कंसंट्रेशन ऑफ बी को एक्सेस में लिया जाए, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को एक्सेस में लिया जाए तो अब आप आंसर बताइए इस केस में रिएक्शन का ऑर्डर कितना आएगा, सोच लिया होगा आपने डेफिनेटली उस केस में ऑर्डर कितना आएगा, सोचिए आराम से। ये अब अगर एक्सेस में चला गया तो इसको कांस्टेंट में ले जाइए, अब आपका ऑर्डर कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। और सर इनसे वो वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस बार, अगर मान लीजिए दोनों ही एक्सेस में तो क्या होगा, दोनों ही एक्सेस में तो क्या करेंगे आप लोग? तो सर फिर तो दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में खर्च होते जाएंगे। बिल्कुल, सर ने वही बात अभी पहले बोली थी कि अगर दोनों स्मॉल अमाउंट में तो भी दोनों काउंट होंगे, दोनों एक्सेस अमाउंट में तो भी काउंट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्यूडो ऑर्डर का कांसेप्ट सर तभी लगाना है जब एक एक्सेस में हो और दूसरा स्मॉल अमाउंट में। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं सर इस क्वेश्चन के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट की समरी बनाई जाए, तो जो भी आपने क्वेश्चन देखे और एग्जांपल देखे तो अब एक समरी बनाने का टाइम है स्यूडो ऑर्डर का, तो उससे पहले ये बात यहाँ पर है, तो ये सोल्यूशन भी है इस क्वेश्चन का। अब एक समरी पूरे कॉन्सेप्ट की हम लोग बनाते हैं जो स्यूडो ऑर्डर आपने सीखा। सबसे पहली चीज, यदि क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोलिसिस इस तरीके के वर्ड नहीं है या नहीं लिखा है कि कोई एक रिएक्टेंट दूसरे के कंपैरिजन में एक्सेस में है, तो सूडो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में नहीं लाना है। इसका मतलब हर क्वेश्चन में आपको सूडो ऑर्डर ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सूडो ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में यदि हाइड्रोलिसिस लिख दिया गया है और रिएक्शन कुछ भी हो, मतलब यदि उसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिसिस है तो वाटर एक्सेस में होगा, और एक्सेस में होगा तो तुरंत यही कॉन्सेप्ट कि वो खर्च भी होगा, ये बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा रहा कि वो खर्च नहीं होगा, वो उसका रोल रिएक्टेंट का है, बिल्कुल रिएक्टेंट का रोल रहेगा, लेकिन खर्च होने के बाद बचा हुआ कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन लगभग लगभग वैल्यू सेम होगी, उस समय फिर ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। हाँ, यदि दोनों ही लार्ज अमाउंट में, जैसे सर ने बोला, यदि दोनों ही यहां पर लार्ज अमाउंट में हो जाते ए भी और बी भी, फिर उस केस में आप ओरल समझ लीजिए कि सपोज मैं इसके 10 मोल ले लूं, इसके 10 मोल ले लूं और इसके 20 मोल ले लूं, तो फिर जब मोल खर्च होंगे तो एप्रिसिएबल मोल खर्च होंगे, और जब एप्रिसिएबल मोल खर्च होंगे तो फिर ना तो हम ए के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान पाएंगे, ना बी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान पाएंगे, और जब कांस्टेंट नहीं मान पाएंगे तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूडो ऑर्डर में हम किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को के साथ इंक्लूड करके के डैश से रिप्लेस कर देते थे। तो अब फाइनल कमेंट ये कि जरा देखिए,
क्या सर इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे? नहीं, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलेंगे। बस यही पॉइंट और आपको हम क्लियर कट बताना चाहते हैं, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलेंगे। अब यहां पर ऑर्डर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसको हम सूडो सेकंड ऑर्डर बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर सूडो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि हम इसको सूडो ऑर्डर कॉन्सेप्ट बोले तो मच बेटर है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर स्पेशली उस समय लगेगा जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद ऑर्डर कितना है? 1 आए, उस समय हम इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। और कुछ बुक में सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के नाम से भी, जो पुराने एग्जांपल हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर या हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टिक एसिड जो एस्टर वाला था वो हम लोगों ने पढ़ा था, उसको बोलते हैं।